गरीब निर्जन बच्चों में शिक्षा की ज्योति जला रही महिला। नगर के आवास विकास कॉलोनी में श्री प्रयाग महिला शक्तिकरण सामाजिक संगठन द्वारा गरीब असहाय बच्चों के लिए निशुल्क पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजब सिंह यादव और विशिष्ट अतिथि विवेक यादव थे। समाज के लिए कुछ करने की सोच भले ही कई लोग रखते हों, लेकिन इस जज्बे को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। गरीब और असहाय लोगों का नाम सुनकर जहाँ एक और सभी निजी स्कूल उनके दाखिला करने में हिचकिचाते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षित करने की सोच श्री प्राग महिला शक्तिकरण सामाजिक संगठन की प्रबंध संगीता शर्मा ने अपने जहन में उतारी है। उन्होंने आज नगर आवास विकास स्थित निशुल्क महिला सिलाई केंद्र के परिसर में निःशुल्क गरीब निर्धन बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला का शुभारम्भ किया। पाठशाला का शुभारम्भ कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा निशुल्क पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने आए बच्चों को निशुल्क शिक्षा सामग्री भेंट की गई। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल। आज का प्रोग्राम मैंने जो झोपड़ झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को देखा था, जब मैंने सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया था उस समय, तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे भी जरूरत है इस चीज की, क्योंकि काफी लोग शिक्षा तो दे रहे हैं मगर उसका लाभ बच्चे उठा नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने सर्वे करके देखा कि कुछ माँ बाप भी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। हमने सर्वे किया उस समय, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग मिलकर कॉपी किताबों का इंतजाम करेंगे, इनके बच्चों को कॉपी किताबें देकर बांट कर एक प्रोग्राम रखते हैं और उस जरिए से इनको बुलाएंगे। तो मैंने बच्चों का पाठशाला खोलने का निर्णय लिया, इसलिए मैंने आज का ये प्रोग्राम रखा। उसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर अजय सिंह यादव सर आए थे, और मुख्य अतिथि में भैया विवेक भैया भी हैं, और ये राकेश यादव, बाकी सभी पत्रकार भैया ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया, और सभी मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जितनी मेरी महिला टीम है वो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, इन्हीं के लोगों से मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये आज यहाँ पर ये आवास विकास कॉलोनी में ये महिला ग्रुप ने जो अपना संगठन बनाया है, विशेष रूप से श्रीमती संगीता जी, मातृशक्ति प्रयाग श्री महिला सशक्तिकरण, ये सामाजिक संगठन है, और इन्होंने बहुत मेहनत करके जो मुझे बताया कि ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे इन्होंने सर्वे करके निकाले हैं पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि से, और तमाम महिलाओं को ये ग्रुप बना करके सिलाई कढ़ाई बहुत सारे कार्य कर रही हैं। आज ये प्रथम पाठशाला का इन्होंने शुभारंभ किया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, आप लोग भी सब देख रहे हैं कि सामने झुग्गी झोपड़ी है, इन्हीं में से बच्चे इन लोगों ने छांटे हैं, उनका चयन किया है, वो आज उनको कॉपी दी गई है, पेंसिल रबर वो सामग्री दी गई है, जिससे कि वो पढ़ाई के प्रति आकर्षित हों और ये मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना चाहती। इनकी पूरा जो महिला मंडल इन्होंने बताया है, जो ग्रुप बताया है, तमाम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, आप लोग भी सारी चीज़ें समझते हैं कि इनके सामने दो टाइम के भोजन की समस्या होती है, तो ये बच्चों को न तो कुछ सुविधाएं दे पाते हैं, न उनके लिए कॉपी का अरेंज कर पाएंगे, न किताब का कर पाएंगे, न पेंसिल रबर का कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये विद्यालयों में बच्चों को भेज नहीं पाते। सरकारी योजनाओं की इन्हें जानकारी नहीं होती है। तो संगीता जी जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, और आज इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारे साथ में हमारे छोटे भाई या शिष्य कह लीजिए, श्री विवेक यादव, जो स्वदेशी समाज सेवा समिति के सचिव हैं, और अभी अभी आप लोगों ने शायद अखबारों में छापा है, बहुत कई दिन से छप रहा है, जयपुर जो ट्री ग्रुप है, उन्होंने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर एक वर्ष के लिए बनाया अपनी संस्था का। हम इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया है, तो हम लोग बहुत दूर दूर तक पौधे लगा रहे हैं। तो समाज सेवा, पर्यावरण सेवा करने का जो जज्बा जिन लोगों को होता है,
मैं संगीता जी को भी बहुत दिनों से जानता हूँ। ये पहले रॉयल कृष्णा ग्रुप में भी जुड़ी थी, बहुत डायनेमिक हैं और इनका सोच और कार्य करना। At GLE University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLE University, whether the goal is to get a job or to create a job.